हेलो इस वीडियो में हम एम एस पावर पॉइंट एम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डैश इज़ ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए यू टोरेंट ऑप्शन बी मोजिला फाइव फॉक्स ऑप्शन सी एम एस पावर पॉइंट ऑप्शन डी स्लाइड पैनल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम एस पावर पॉइंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन वट ग्रुप तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टेबल ग्रुप ऑप्शन बी टेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑप्शन डी इलस्ट्रेशन ग्रुप तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेक्स्ट ग्रुप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ नोट द वैलिड एडिशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड थ्री ऑप्शन बी एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन ऑप्शन सी एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन ऑप्शन डी एम एस पावर पॉइंट नाइनटीन ट्वेंटी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एम एस पावर पॉइंट नाइनटीन ट्वेंटी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कार्ड दी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टाइटल स्लाइड ऑप्शन बी बुलेट स्लाइड ऑप्शन सी टेबल स्लाइड ऑप्शन डी ग्राफ स्लाइड तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टाइटल स्लाइड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू ऑप्शन बी नॉट स्पेस व्यू ऑप्शन सी स्लाइड सोल्टर ऑप्शन डी स्लाइड शो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन कैनवीडिया एरियर आर दी एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फोन फेस ऑप्शन बी क्लिप आर्ट ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट ऑप्शन डी थीम्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फोन फेस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ब्लैंक ऑप्शन बी टाइटल स्लाइड ऑप्शन सी टाइटल ओनली ऑप्शन डी कंपैरिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टाइटल स्लाइड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज तो ये यह यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एक्सट्रीम एनिमेशन ऑप्शन बी स्लाइड शो ऑप्शन सी स्लाइड सोल्टर ऑप्शन डी नॉर्मल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एक्सट्रीम एनिमेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच फीचर्स इज नॉट इन एम एस पावर पॉइंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्कैन ए वायरस ऑप्शन बी जूम ऑप्शन सी बैकग्राउंड कलर ऑप्शन डी स्लाइड शो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्कैन ए वायरस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच की हेल्प टू मूव टू दी बिगनिंग ऑफ ए लाइन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पेज अप ऑप्शन बी पेज डाउन ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी होम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक द शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एड प्लस आई ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशंस एज ए थंबनेल्स एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर ऑप्शन बी स्लाइड शो ऑप्शन सी स्लाइड सोल्टर ऑप्शन डी नॉर्थ स्पीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्लाइड सोल्टर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन तो है टू डिलीट दिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डिलीट ऑप्शन बी कंट्रोल ऑप्शन सी होम ऑप्शन डी एट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिलीट इसका, इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू डिलीट वन वर्ड ऑफ द राइट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डिलीट ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बैक तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डिलीट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच फीचर्स इज यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्पेलिंग ऑप्शन बी रिप्लेस ऑप्शन सी फाइंड ऑप्शन डी रिसर्च तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पेलिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच व्यू हेल्प टू रीअरेंज स्लाइड इजली एंड क्विकली तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नॉर्ट स्पेस ऑप्शन बी स्लाइड मास्टर ऑप्शन सी स्लाइड सॉल्टर ऑप्शन डी नॉर्मल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्लाइड सोल्टर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए गूगल ऑप्शन बी एप्पल ऑप्शन सी एंड्राइड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच इज द प्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अवास्ट ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स ऑप्शन डी एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एमएस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच इज द राइट टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन पेज तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए चार्ट ऑप्शन बी स्लाइड्स ऑप्शन सी क्लिप आर्ट ऑप्शन डी अमीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्लाइड्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉन्ट ग्रामर ऑप्शन बी फॉन्ट कलर ऑप्शन सी फॉन्ट साइज ऑप्शन डी फॉन्ट फेस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉन्ट ग्रामर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश रेफर टू बैक द ऑब्जेक्ट ऑफ वन लेवल और टू आल ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अलाइन ऑप्शन बी रोटेट ऑप्शन सी सेंट टू बैक ऑप्शन डी ब्रिंग टू फ्रंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेंट टू बैक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश बर्टन रिड्यूज विंडोज़ टू एन आइकन वट वर्ल्ड स्टिल रिमेन एक्टिव तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मैक्सिमाइज ऑप्शन बी मिनिमाइज ऑप्शन सी क्लॉज ऑप्शन डी रिस्टोर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मिनिमाइज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यू कैन यूज द डैश टू इंसर्ट सिंबल तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए फोन बॉक्स ऑप्शन बी टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन सी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑप्शन डी सिंबल डायलॉग बॉक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिंबल डायलॉग बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू तो स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एफ फाइव ऑप्शन बी एफ सिक्स ऑप्शन सी एफ सेवन ऑप्शन डी एफ एट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एफ फाइव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर एडवांस्ड फीचर्स दैट कैन स्पीड अप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग यू मे परफॉर्म ऑफन इन पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कलर ऑप्शन बी फॉन्ट ऑप्शन सी माइक्रोस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माइक्रोस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश लॉर्स दी सिलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन्स एंड चेंजेस दी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू तो स्मॉलर फोन साइज इफ ए स्मॉलर साइज इज अवेलेबल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सुपीरियर स्क्रिप्ट ऑप्शन बी अपर फोन्ट ऑप्शन सी सबस्क्रिप्ट ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सबस्क्रिप्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 परसेंट ऑप्शन बी 200 परसेंट ऑप्शन सी 300 परसेंट ऑप्शन डी 400 परसेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 400 परसेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ यू वांट टू एरो हेड्स टू मल्टीपल लाइंस सेलेक्ट द फर्स्ट लाइंस एंड देन प्रेस एंड होल्ड डैश वाइल यू सेलेक्टेड दी अदर लाइंस तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल ऑप्शन बी हेल्थ ऑप्शन सी टैब ऑप्शन डी स्पेस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ यू नो द करेक्टर कोड्स, यू कैन एंटर द कोड्स इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन प्रेस डैश टू कन्वर्ट इट इनटू ए करेक्टर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एल्ट प्लस एक्स ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बाई ऑप्शन डी टैप प्लस एक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एड प्लस एक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एड टू तो ए पावर पॉइंट शो तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉट जे ऑप्शन बी डॉट जीआईएफ ऑप्शन सी डॉट डब्ल्यू ए बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आल ऑफ दीज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एन एप्लीकेशन सूट ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी शेयरवेयर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एन एप्लीकेशन सूट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मिनिमम जूम साइज इन एम एस पावर पॉइंट इज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी टेन ऑप्शन सी फिफ्टी ऑप्शन डी हंड्रेड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच बार बी कैन सी द करंट पोजिशन ऑफ द स्लाइड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टाइटल बार ऑप्शन सी स्टेटस बार ऑप्शन डी व्यू ऑप्शन बार तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टेटस बार इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी सेवन ऑप्शन सी ट्वेल्व ऑप्शन डी फिफ्टीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू डिलीट वन करेक्टर टू लेफ्ट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्पेस ऑप्शन बी बैक स्पेस ऑप्शन सी एंटर ऑप्शन डी डिलीट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बैक स्पेस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच की ऑन द की बोर्ड कैन यूज टू व्यू द स्लाइड शो तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एफ वन ऑप्शन बी एफ टू ऑप्शन सी एफ फाइव ऑप्शन डी एफ टेन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एफ फाइव भी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज टू यूज द यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्पेशल व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड सोल्टर व्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्लाइड सोल्टर व्यू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच टर्म इज रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन करेक्टर्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पेज नंबर ऑप्शन बी स्पेसिंग ऑप्शन सी हेडर ऑप्शन डी फूटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पेसिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच टर्म इज रिलेटेड विद द डेकोरेटिव टेक्स्ट? तो यहाँ पे चार ऑप्शन लिए गए हैं ऑप्शन ए क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन बी हाइपरिंग, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट ऑप्शन डी वर्ड आर्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वर्ड आर्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू एड ए रो एट ऑफ़ द टेबल क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड देन प्रेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एट ऑप्शन बी टैब ऑप्शन सी स्पेस ऑप्शन डी कंट्रोल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैब इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू एंड प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए टैब ऑप्शन बी स्केव ऑप्शन सी पी ऑप्शन डी ई e, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्केव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट यूज टू तो इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कार्ड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्रेजेंट एनिमेशंस ऑप्शन बी ट्रांजेक्शन्स ऑप्शन सी कस्टम एनिमेशंस ऑप्शन डी इफेक्ट्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रांजेक्शंस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश ग्राफिक इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन फुली कस्टमाइज इन एम एस पावर पॉइंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए रवर ऑप्शन बी मैजिक टूल ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम स्पोर्टेड बाय बोथ मैक एंड पीसी प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अवेरा ऑप्शन बी अडॉब रीडर ऑप्शन सी मीडिया प्लेयर ऑप्शन डी एम एस पावर पॉइंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एम एस पावर पॉइंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो इज ए फीचर ऑफ यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एम एस पावर पॉइंट ऑप्शन बी एम एस वर्ल्ड ऑप्शन सी एम एस एक्सर ऑप्शन डी एम एस एक्सस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एम एस पावर पॉइंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन शॉर्टकट की इज यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस यू ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस के तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस यू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेस डैश टू तो डिलीट वन वर्ड ऑफ दी लेफ्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन लिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंटर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टैब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने एम एस पावर पॉइंट एम के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद